हाँ तो ये है मेरा ओल्ड टैप, मतलब घर में पड़ा था, तो इसको देखते हैं अंदर, आप देख सकते हो कितना कबाड़ा हो गया, तो इसको अपन पूरा नया करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हो ये है वॉल्यूम बटन, अंदर प्लेट वेट लगी एम्पलीफायर की, और पहले इसकी स्विच हटाते हैं मतलब बटन वाला, और ये अंदर से प्लेट वेट सब हटा देते हैं। और अंदर कितना जंक लग रहा है यार, रस्ट। और दोनों नट खोल दें और ये निकल गया, पीछे भी लगे हैं, और इसका मेन जो रहता है वो भी हटा देते हैं। हाँ तो ये भी निकल गया है, और बचा क्या है इसमें, वॉल्यूम की वो भी निकाल देता हूँ, तो वो भी निकल गया। और अब आप देख सकते हो पूरा ये मतलब इसमें रश मतलब जंग लगा हुआ है, तो इतना सब कबाड़ा निकला है इसके अंदर से, पर वो कबाड़ा नहीं है। पर अब इसमें सैंड पेपर से अपन को उसको रब करना है, ताकि इस पर ढंग से अपन पेंट करें। तो आप ढंग से कर लो रब, और मैं भी दोनों मतलब दोनों को पीस को और अच्छे से रब कर लेता हूँ। तो रब जल्दी जल्दी मतलब आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मैं लोकल पेंट लगा रहा हूँ उसमें ब्लैक कलर का, तो उसको लगा लेते हैं, इधर लगा लिया, जल्दी से मैं कर लेता हूँ, आपको आराम से करना पड़ेगा। तो ये करा और ये पूरा, हाँ तो अब रात हो गई थी तो मैं अंदर आ गया, और ये आपको हम ये क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेंगी मुझे मालूम है। तो ये ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, तो उसमें सही है कि नहीं, तो मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ। तो अरे लग जा वायर लग गया, हाँ तो आप जैसे देख सकते हो 14 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन 12 वोल्ट हो जाएंगे जब वो उस पर लोड पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर को इस पर कस लेते हैं, ट्रांसफार्मर फार्मर फार्मर, तो जो भी है इस ट्रांसफार्मर को कस लेते हैं, एक बोल्ट इधर एक दूसरा इधर लगा लेते हैं। और ये मैंने इसके सामने वाले पे पेंट नहीं करा, पेंट था नहीं मेरे पे, तो मैंने A4 शीट को काट काट के तो पीसेस में लगा दिए, और इसके नीचे क्या बोलते हैं इसको, ये भी लगा लेते जो भी बोलते हैं, याद नहीं है मेरे को, तो तीन ही थे इसके में। और ये है इसकी PCB, और इस पर आप स्पीकर वॉल्यूम बेस ट्रेबल ये सब आप देख सकते हो, और ये इनपुट है इसमें, यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग डालोगे तो बजने लग जाएगा। और ये बेस ट्रेबल है, तो इनको अपन जल्दी से मतलब ये वायर यहाँ पे जुड़ेंगे ट्रांसफार्मर के, जो डायोड लगे हैं वहाँ पे 4 डायोड, जो ब्रिज इलेक्ट्रीफायर लगा है उसमें ये दो, और ये है वॉल्यूम के मतलब स्पीकर के वॉल्यूम के इधर है। और ये आप ऐसे कोई से भी LED बल्ब या कुछ से भी आप उसके डायोड चेक कर लो, तो मैंने मल्टीमीटर मेरा ख़राब था तो मैंने ऐसे बल्ब से चेक करा तो सही है। और आप ऐसे कोई सा भी वो लगा सकते हो वॉल्यूम कंट्रोलर, मैंने दो लगाए हैं। और फिर इनको मैं लगाने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो मैंने कहाँ कौन से वायर जुड़े हैं, आप देख सकते हो ये वॉल्यूम के, और यहाँ पे ये दो यहाँ से इनपुट देंगे, तो अपन यहाँ से इनपुट लगा लेता हूँ मैं वायर, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो मैंने इनपुट वायर लगा दिया, उसके बाद मैंने इसको पूरा कस लिया था बॉडी वॉडी, और ये मैंने क्लिप अलग से ऐसे ही लगा दिया पुरानी TV में से निकाल के, क्योंकि वायर हिल रहे थे तो टूट जाते, तो ये क्लिप के साथ मैंने ऐसे ही लगा दिया, और कुछ नहीं है उसमें। और ये उसका कनेक्टर है, तो इसको भी मैं उसमें लगा देता हूँ। तो आपको उसके पहले ऐसी ऑक्स केबल चाहिए होंगी, ऑक्स केबल के अंदर आप देख सकते हो कौन से आपके पास है, मेरे पे अभी वाली है जो ईयरफोन में से निकाली थी मैंने, तो इस पर अब वायर देख सकते हो, और मैं इसको उस पर जोड़ देता हूँ वो जो कनेक्टर है, तो जल्दी से जोड़ लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स मैं इसको जोड़ लिया हूँ, मतलब वायर जोड़ लिए मैंने, और फिर आप जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्लिप इस कारण लगाया था कि मतलब अपनी ऑक्स खेलेंगी तो कुछ नहीं हो। और आपको यहाँ से पेट्रोल से इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है, प्लेट को मैंने करा नहीं तो इससे साफ़ दिखेंगे। और इसके ऊपर अब अपन इसका कवर लगा देते हैं, और इसमें अभी अपन ऑक्स ही बजाएंगे। मैं इसके Part 2 में आपको पूरा मतलब वो ब्लूटूथ वाला सिस्टम लगा के दिखाऊंगा। मैं आप देख लो मैंने पीछे वायर लगा दिया। हाँ तो फ्रेंड्स आप साउंड सुन लो, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स मेरे। हाँ तो फ्रेंड्स मेरे लोकल मोबाइल था, इसका कारण उसकी मतलब साउंड अच्छा रिकॉर्ड नहीं करवाया, उसमें ढंग का माइक नहीं था, तो आप फिर भी एक वो देख लो।